आ सकता है। वेसल ऑलवेज मूव्स ऑन सीएमजी। अब सीएमजी निकालने तक का क्वेश्चन करिए, पहले उससे पहले पोजीशन करके मेरे को बताइए पोजीशन क्या आई बताइए, एंड गो अप टू देयर एंड स्टॉप, पुट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दैट 13 माइल आर्क, गेट द पोजीशन एंड द जायरो एरर एंड स्टॉप। मैं बोर्ड पे करता हूं। फोर लाइन पॉइंट एंड बुल पॉइंट। बोर्ड तो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हो सकता है कि नहीं? अरे बोर्ड दिख रहा है? अरे वीडियो कॉल की थोड़ा खराब सा आ रहा है। बेटर नो हियर इज बुल पॉइंट हियर इज फोर लाइन पुट अप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पुट 10 माइल्स फ्रॉम स्कार वेदर फिक्स नहीं आगे 11:30 51:17:02 देखिए लिखा है मैंने, ये आंसर आने चाहिए, ये पोजीशन आनी चाहिए। सर बोर्ड क्लियर दी। हाँ सर, तो बहुत ब्लर आ रहा है, कुछ दिख नहीं। बेटर हुआ? नो सर। बुल पॉइंट और फोर लाइन के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा सकते हैं बच्चे? यस सर, यस सर। यहां से स्कार वेदर से 10 मील काट के पोजीशन निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव डन ऑन द बोर्ड। इसके आगे कुछ नहीं किया मैंने, इतना तो दिखना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं दिख रहा?
सर स्कारवेदर दूसरा साइड पे है ना सर? कोई बात नहीं, उसका डजंट मैटर बेटा, आई डोंट नो, आई डिड नॉट एडजस्ट टू इट. पोजीशन आएगी, पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, यस सर. हो सकता है दूसरी तरह, मेरे को आई डिड नॉट हैव द लुक एट द चार्ट. ओके यार, ऐसे ना हो के ऐसे हो. चलिए यहां तक पहुंचिए और कंपेयर करिए. 5117.2 पोजीशन, 5117.2004.00.7 वेस्ट. सही बात है, जिसका बेयरिंग 023 है, स्कार वेदर उस तरफ हो. ट्रू बेयरिंग है 17, ऊपर होगी और थोड़ा. अब ठीक है, बेटर. पहुंच गए यहां तक, जारो एरर आ गया, 6 degrees आए. यस सर, 6 degrees. नाउ इफ यू कैन सी द बोर्ड बेटर, नहीं तो फिर भी देखिए बोर्ड की तरफ. नाउ 296, 6 degrees आए. सो देयरफॉर व्हाट विल बी द सीटीएस? 290 डिग्रीज ट्रू, यस और नो? And the wind is from north, causing 10 degrees leeway. So therefore 290 hai CTS, lekin shift jayega 280 leeway track. Are dikh raha board? Bada bada likh raha hu. Six degrees high, gyro error, 296 gyro, that means 290 CTS, true. 10 degrees leeway, wind from north, leeway track will be 280. देखिए यहां तक हुआ कि नहीं? Yes, sir. And now cut 13 miles here, 1 ghante ka engine distance, and then the set is 220. Cut the drift 3 knots, so 3 miles, so CMG SMG aa jayega. Bataiye kya hai CMG SMG, likhta hu main yahan. आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं.
अभी आपने फिक्स से 12 माइल का आर काटा है ये लीवे ट्रैक पे? 12 माइल नहीं, 13, स्पीड इज 13. CTS is 290, leave a track is 280. So 280 per 13 miles काटेंगे. Speed is 13 knots. फिर वहां से set लगाएंगे और फिर उसपे 3 miles काटेंगे. Why? Because the drift is at 3 knots. दिख रहा है अच्छे से? Tell me how much is CMG, SMG? I'm waiting. हो जाना चाहिए अब तक. अभी तक अरे सीएमजी नहीं आए इतनी देर में. दो मिनट से सर सीएमजी 269 270 269 भी चलेगा. एसएमजी भी बताइए प्लीज. सर 15 नॉट्स 14.75 लिख लीजिए. दोबारा प्लॉट करेंगे आपको अपनी गलती मिलेगी. सीएमजी 270 एसएमजी 14.75. एवरीबॉडी इज गॉट इट अप टू हियर? सर एक डाउट है सर. हाँ जी पूछिए सर. जो हमने वो पोजीशन निकाली सर, हमने वहीं से ही वो लीवे क्यों नहीं लगाया सर अपना? सॉरी ये करंट
हाँ बोलू मैं जैसे अगर मैंने अपनी पोजीशन यहाँ लगाए मुझे चाहिए क्या CTS तो दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ यस सर CTS दिया हुआ तो निकलेगा क्या CMG कोर्स मेड गुड कोर्स फर्स्ट अगर करंट लगाए तो कोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट करंट हो जाएगा देखिए इधर मेरी तरफ देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको लगे ना ये क्या किया अगर मैंने ये करंट लगा दिया 220 दिख रहा है रेड कलर का अब इस पे काटूंगा तो कोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट करंट हो गया CTS तो ऐसे आ जाएगा यस दिया क्या हुआ है CTS दिया हुआ है और निकालना क्या है कोर्स मेड गुड कोर्स फर्स्ट इसीलिए लिखा है हाँ जी कम बैक टू व्हाट वी वर डूइंग CMG 270 SMG 14.75 कर लिया तो मेरी तरफ देखिए ये लुंडी आइलैंड नॉर्थ दिख रहा है बोर्ड पे मैं कर रहा हूं लुंडी आइलैंड नॉर्थ दिख रहा है यस सर अब क्या बताया मैंने वेसल ऑलवेज मूव्स ऑन CMG ये रहा CMG है आपके पास विद द स्पीड ऑफ SMG है आपके पास एंड द हेडिंग ऑफ CTS है आपके पास CTS क्या है 290 वेसल ऑलवेज मूव्स ऑन CMG विद द स्पीड ऑफ SMG CMG भी है SMG भी है CMG प्लॉट कर दिया SMG हमारे पास है Always moves on CMG with the speed of SMG and the heading of CTS. With or without the wind. When will it be a beam? When will it be a beam? A beam kidhar hai? Port side pe. So beam bearing on port side kya hoga? CTS. Minus 90. 200 degrees. So beam bearing kya hona chahiye? 200 degree. Yahan se 200 lagaiye. Ye hai position. अब वो इस तरफ आ रहे कि इस तरफ आ रहे दैट डजंट मैटर सीएमजी आपके पास है लुंडी नॉर्थ से 200 डिग्री बेयरिंग लगाइए क्यों क्योंकि CTS 290 था पोर्ट साइड में क्या होगा 290 माइनस 90 200 यहां कब पहुंचूंगा कैसे निकलेगा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस नापिए एसएमजी से डिवाइड करिए टेल मी द टाइम सर एक बार फिर से बता देंगे प्लीज कहां तक समझ आया तुम्हें उसके बाद फिर से बताओ कहां तक समझ आया बीम बेरिंग बीम बेरिंग तक बीम बेरिंग दोबारा समझाना सीएमजी आ गया यस सर सीएमजी और एस यस सर थिंक आई एम गोइंग लाइक दिस व्हाट विल द बीम बेरिंग 90 डिग्री टू स्टारबोर्ड हमारा है पोर्ट साइड में हम ऐसे जा रहे हैं तो पोर्ट साइड में If the ship is going like this, this 000 plus 90 starboard bearing 000 minus 90 is 270 is the beam bearing, no? क्या किया मैंने 360 heading में से 90 add किया है 90 subtract किया हमें port side में है तो 90 subtract करेंगे CTS क्या है 290 So CTS 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोर्ट साइड का बेरिंग क्या आएगा 200 नो तो यहां से 200 लगाओ लेकिन शिप इज ऑलवेज ऑन सीएमजी यहां पर नहीं जाना है लीवे ट्रैक पर यहां CTS में नहीं जाना है जाना यहां पे शिप तो यहीं पे है ना सो यहां से 200 लगाओ ऐसे करके ये आपकी पोजीशन ये डिस्टेंस यहां से नापिए यहां तक का और एसएमजी से डिवाइड करिए 14.75 टेल मी व्हाट टाइम विल यू गेट हियर ये क्या है एस्टिमेटेड पोजीशन इसके लिए एस्टिमेटेड पोजीशन का सिंबल मेजर द डिस्टेंस एंड टेल मी फर्स्ट ये यहां नहीं आगे आएगा मेरा बोर्ड खत्म हो गया इसके लिए मैंने इसको पहले कर दिया यहां नहीं है इसके आगे है मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मच
एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर ये जायरो आर एफ सिक्स कैसे आया सर? क्या बोले? क्या पूछ रहे बेटा? बोलिए क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सर वो पूछ रहा है जायरो आर एफ सिक्स कैसे आया। जायरो आर एफ सिक्स कैसे आया? फिक्स आ गई यहाँ, फिक्स आ गई 11:30 की बच्चे, हाँ या नहीं बोलो? सर अगर फिक्स आ गई तो इसका ट्रू बेरिंग में नाप सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ और कंपास रोज पे ले जाऊं तो ट्रू बेरिंग आ गया? हाँ सर आ गया सर। और जायरो बेरिंग दिया हुआ है 23 डिग्री, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 6 डिग्री हाई जायरो एरर नहीं आ गया? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हाँ जी, मुझे बताइए डिस्टेंस कितना है, मैं तो वेट कर रहा हूँ बेटा, आपका समय निकल रहा है। ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री बट डिवाइडेड बाय 14.75 will give you 1 hour and 35 minutes. So 11:30 से 1 hour 35 minutes जोड़ेंगे, that will give you 13:05. चेक करिए आया कि नहीं। मैं बंद करूंगा, दोबारा चलाऊंगा टीम्स, समय चला जाएगा, इसके लिए therefore I have to tell you verbally. क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? अब वर्ड फाइल दिख रही है, ये आपका टीम्स दिख रहा है। वर्ड फाइल खुली हुई है बट इट्स नॉट टेकिंग फ्रॉम देयर। चलिए जल्दी से आंसर बताइए मेरे को, 23.3 माइल्स आया कि नहीं? 22 आ रहा है। नहीं बेटा इतना एरर नहीं हो सकता। बेरिंग 200 डिग्री लगाया कि नहीं? यस सर। होना नहीं चाहिए। आ रहा है किसी का 23.3 के आसपास? आना चाहिए बेटा। शुभम पाठक कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो मेरा 22.5 हो रहा है। चलो उतना एरर पे चलेगा, आई कांट हेल्प इट, इट्स नॉट शेयरिंग। लेकिन
बीम बेयरिंग की टाइम और पोजीशन आ गई मेरे पास। अब पोजीशन लिख लीजिए, पोजीशन आप कंपेयर करिएगा, टाइम आपका थोड़ा अलग आ रहा है लेकिन बीम बेयरिंग की पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स लिखिए। 51 degrees 17.2 नॉर्थ, 004 degrees 37.6। ये तो हुआ बीम बेयरिंग का। उसने एक और चीज भी पूछी है, पासिंग। पासिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासिंग? सबसे नजदीक बीम बेयरिंग क्या होता है? 90 डिग्रीज टू द हेडिंग, चाहे पोर्ट है चाहे स्टारबोर्ड है। पासिंग क्या होता है? 90 डिग्रीज टू सीएमजी। सबसे नजदीक कब होगा? जब सीएमजी के 90 डिग्री होगा। सीएमजी आपके पास है? है। कितना है? 270 के 90 क्या होगा? पहले हमने किसके लगाया? 290 के 90। 290 क्या था? सीटीएस। सो बीम बेयरिंग क्या होगा? सीटीएस के 90 डिग्री। पासिंग बेयरिंग क्या होगा? सीएमजी के 90 डिग्री। सीएमजी क्या है? 270। एवरीबॉडी एग्री सीएमजी इज 270? यस सर, 270 है। तो पोर्ट साइड में है तो पासिंग बेयरिंग क्या होना चाहिए? 270 - 90 व्हिच इज 180। अब लुंडी आइलैंड से 180 भी लगाइए और देखिए सीएमजी पर मैं कब पहुंच रहा हूं। जैसे हमने बीम बेयरिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट किया 23.3 और एसएमजी से डिवाइड किया, बिल्कुल वैसे ही बीम बेयरिंग का सॉरी पासिंग बेयरिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन विल मेजर ऑफ द टाइम। मैं पीपीटी खोलने की कोशिश करता हूं, पीपीटी तो खुल जाएगी, शेयर होगी कि नहीं देखना पड़ेगा। आप इतनी देर में जो मैंने क्या कहा वो कर, क्या कहा? 270 के 90 क्या होगा? माइनस किया 180। लुंडी आइलैंड से 180 का बेयरिंग लगाइए और देखिए कितने बजे उस पोजीशन पे पहुंचूंगा। तब तक मैं पीपीटी खोलने की कोशिश करता हूं। पीपीटी खुल जाएगी लेकिन शेयर नहीं, आपके दिक्कत आ रही है आज, आई डोंट नो।
हाँ जी आ रहा है आंसर, बताएंगे क्या आंसर है। 270 लगा के बेटा टाइम निकालो ना सर। 24.2 25.2 यू नो आई डोंट नो हाउ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ मेजर करना पड़ता है, डिस्टेंस कहाँ मेजर करना चाहिए? अब्रेस्ट, समझ रहे हैं, जहां पे एरिया है, जहां पे आप प्लॉट कर रहे हो उसके अब्रेस्ट नापिए, ऊपर या नीचे मत नापिए लैटिट्यूड स्केल के। तो जहां पे आप काम कर रहे हैं इसके अब्रेस्ट नापिए। अब मैं पोजीशन देता हूं, पहले वाली पोजीशन चेक की, टैली हो रही है पोजीशन? टाइम तो आपका आधा मिनट 0.3 0.4 कुछ अलग आ रहा था। पोजीशन टैली हो रही है जो मैंने दी 1305 की पोजीशन 51 17.2। यस सर। तो वो सिर्फ चार्ट का एरर है, बाकी ओके है। अब ये पासिंग का टाइम निकालिए, 25.2 डिवाइडेड बाय 14.75, 1 hour 42.5 minutes, 1 hour 42.5 minutes, that means 13 12.5। फिर कोशिश करता हूं, अभी पीपीटी खुल नहीं रही थी। Showing something else. Share OneDrive files. I don't want to go on OneDrive. Let me open. देखें चलता है कि नहीं। Anyway, I'll give you the answer. देखिए मैं 13-12 की पोजीशन बताता हूँ, 13-12.5 की पोजीशन 51 17.2 नॉर्थ 004 40.6। What is the passing distance and what is the beam distance? What is the passing distance? Passing bearing kya tha? Abhi jo nikala. Distance nikaliye, kam se kam distance kya aaya? And what is the beam bearing jo pehle nikala tha? Beam distance and passing distance nikaliye. Next time I will show you the PPT. Hope next time this will not give trouble. Sometimes this in its update, this starts to start giving trouble like this. जल्दी करिए, आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुडे ऑन द बोर्ड। पीपीटी अगली बार दिखा दूंगा। जल्दी करिए, 5-6 मिनट है मेरे पास, ये आंसर आने चाहिए। सर डिस्टेंस 5.2 माइल। 5.2 वेरी गुड। और पहले वाला 5.4, इसका मतलब सिर्फ आपके चार्ट की फोटोकॉपी में एरर है, बाकी ठीक आ रहा है। 5.2 नाउ पासिंग क्या होता है? सबसे नजदीक। कैसे याद रखना है पासिंग का? मेरी तरफ सुनिए, मार्च पास देखा है? मार्च पास
स्टेज डेस्क डायस पर सेलिब्रिटी खड़ा होता है और आप उसके पास से निकल जाते हैं, यस। सो जो मार्कर होता है, मेरी बात सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू हैव डन दिस मार्च पास और नो? बेटा सुन रहे हैं तो समझ आएगा, नहीं सुन रहे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। सुन रहे हैं? पासिंग और अभीम का डिफरेंस अभी समझा देता हूं। सेलिब्रिटी डायस पे खड़ा होता है या खड़ी होती है, हूएवर इट इज, व्हेन यू आर पासिंग यू आर सैल्यूटिंग ओनली वन पर्सन, जो दाहिने देख नहीं करता है, वो क्या है? मार्कर। उसके लिए सेलिब्रिटी अभीम है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो सामने देख रहा है। सेलिब्रिटी इज 90 डिग्रीज टू द रोड, दैट इज अभीम। लेकिन आप सब लोग दाहिने देख रहे होते हैं, यस। तो आपके लिए सेलिब्रिटी राइट हैंड साइड पे कब आएगा? पास होने के बाद, समझ रहे हैं? जस्ट इमेजिन, सिर घुमा के आप निकल रहे हैं दाहिनी तरफ देखते हुए, सेलिब्रिटी आपके पीछे निकल जाती है, तब भी अभीम होगी क्योंकि आपका सर घुमा हुआ है। सो वन इज पासिंग एंड वन इज अभीम। अभीम और पासिंग में डिस्टेंस फर्क होगा, अभीम में कम होगा और पासिंग में सबसे कम होगा, यस। यहां देख सकते हैं पासिंग में 5.2 है और अभीम में 5.4 है। अब मेरे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जैसे बड़े श्रीमान ने पूछा था ये 6 डिग्री कैसे आया, या किसी ने पूछा ये फिक्स कैसे आई, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि 1-2 मिनट है। मैं कंप्यूटर बंद करके फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी टी ब्रेक होगी, विल स्टिल बी एबल टू रीस्टार्ट इट एंड शो यू द पीपीटी इफ द नीड बी। मेरे पास 10 मिनट आपके लिए और हैं। कोई डाउट है पूछना चाहते हैं? नहीं, देन डोंट गो अवे, गेट योर कप ऑफ टी, आई विल स्टॉप दिस and restart the computer, maybe it works better, okay? सुनाई दे रही आवाज? हाँ या नहीं तो बोलोगे यार, मुझे कैसे पता लगे? Yes sir. हाँ जी, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पहले पूछे। हाँ जी बोलिए सर। बीम वाली डिस्टेंस 5.4 है, बीम वन इज 5.4 है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। टाइम 13:05 है एंड पासिंग इज 5.2 and time is 13:12.5. I yes, see a message here, windows update requires restart. So main restart karke, jaise aapki 15 minute baad class hogi, agar main 10 minute baad bhi aaya to mere se baat zarur kariyega. Take your cup of tea and come back, okay? So it is asking windows to restart, to main dobara restart karta hu. I'll get back to you, okay? Okay sir.